इंजन जो बंद किया उसे कुछ सुधार भी कराया उतना सर 100% बंद नहीं हुआ नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। खबर बिहार के पूर्णिया जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक औचक निरीक्षण के लिए सरकारी स्कूल में पहुंचे। जैसे ही के पाठक सरकारी स्कूल में पहुंचे, वैसे ही शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए शिक्षकों से उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने ये सवाल किया कि यहाँ पर जितने भी स्थानीय कोचिंग सेंटर हैं, वो कोचिंग सेंटर को तत्काल बंद किया जाए और उन्हें ये आदेश दे दिया जाए कि स्कूल टाइमिंग में वो कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे। क्या कुछ के पाठक बोल रहे हैं, चलिए आपको हम उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। आपको बताते चले कि के पाठक पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में सरकारी स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने स्कूल का जायजा लिया, साथ ही साथ उन्होंने स्कूल में बच्चों को लेकर भी सवाल किया कि उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, उनके लाइब्रेरी के जो बुक हैं यानी कि जो किताबें हैं वो सही तरीके से उनके लिए उपलब्ध कराए गए हैं या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर चला रहे कोचिंग सेंटर को लेकर भी शिक्षकों को साफ आदेश दे दिया है कि इन सारे कोचिंग सेंटर के बारे में पता कीजिए और इन पर तुरंत एक्शन लीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन।